दरभंगा में बाढ़ के कारण पशुपालकों की बढ़ रही है मुश्किलें। मवेशियों को चारा जुटाने में हो रही है परेशानी। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण जिले के लगभग 50 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी फैलने से खेतों में लगी धान की फसल डूब गई है। वहीं प्रभावित परिवारों की सबसे बड़ी समस्या मवेशियों को रखने एवं चारा जुटाने की हो रही है। पूरा इलाका बाढ़ के पानी से घिर जाने के कारण पशुपालकों को बाढ़ के पानी में जाकर हरा चारा लाना पड़ता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पशुपालकों ने सरकार के पशु के चारे को उपलब्ध करने की मांग की है। दरअसल दरभंगा जिला के केवटी, हायाघाट, गौड़ाबोराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, हनुमान नगर और कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 15 पंचायत पूर्णतः एवं 35 पंचायत अंशतः प्रभावित हैं, जिसमें पानी से घिरे गाँव की संख्या 123 है तथा प्रभावित जनसंख्या 57,686 है। वहीं प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए 13 स्थलों में सामुदायिक रसोई तथा लोगों के आवागमन के लिए 154 नावों का परिचालन करवाया जा रहा है। वहीं सरकारी स्तर पर पशुपालकों के मवेशियों का चारा व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं पशुपालकों ने सरकार से पशु के चारे के उपलब्ध कराने की मांग की है। मवेशी की चारा जुटाने में हो रही है परेशानी। जी हाँ, वहीं बाढ़ पीड़ित मोहम्मद नासिर ने कहा है कि बाढ़ आ जाने से चारों तरफ पानी फैल चुका है। एक तरफ बाढ़ का पानी तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के कारण मवेशियों को रखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश होने के कारण हम लोग ऊँचे स्थान पर रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा परेशानी मवेशी के चारा जुटाने में हो रही है। बाढ़ के पानी में हेलकर चारा लाना पड़ता है, जिससे हमेशा खतरा की आशंका बनी रहती है। सरकार के यही कहना चाहती हूँ कि सरकार किस गरीब आदमी पर, किस माल पर, आदमी पर कुछ दो। गरीब आदमी क्या कहेगा? क्या बाढ़ हर साल आती है क्या? हर साल कभी नहीं चूर खाती है इस गाँव में, हर साल आती है। अब बढ़ने जो जाते हैं वो सब रुपया ले लेते हैं सर, अपना अपना कनी कनी बांध देते हैं, सब रुपया अपना घोटाला कर देते हैं नेता बेटा। क्या करें? दरभंगा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।